देखो गाइज, गेम में वैसे तो बहुत सारे एक्टिव कैरेक्टर्स हैं, बट गाइज उनमें से एक ऐसा एक्टिव और अंडररेटेड कैरेक्टर है जिसका यूज़ भाई बंदे बहुत ही कम करते हैं। मतलब मैं CS रैंक में देख लूँ या BR रैंक या लोन वुल्फ हो, इतना सारा गेम मैं खेलता हूँ, बट गाइज वो कैरेक्टर का यूज़ ना के बराबर ही बंदे करते हैं। और भाई वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप अगर एक बार यूज़ करोगे तो बोलोगे भाई हैकर है, भाई हैकर ऐसे करोगे। और उस अंडररेटेड कैरेक्टर का नाम है गाइज आयरिस कैरेक्टर। ये कैरेक्टर गाइज ग्लू वॉल के आर पार कोई भी गन से, लिटरली कोई भी गन से ग्लू वॉल के आर पार आप मार सकते हो। तो आज मैं आपको इसका एबिलिटी प्लस इसका कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो गाइज आयरिस का एबिलिटी ये है, ये ग्लू वॉल के आर पार एटलीस्ट 5 ग्लू वॉल के आर पार मार सकता है। यहाँ पे देखो एक साथ 3 वॉल ही लगता है, तो यहाँ पे मैंने तीन तीन वॉल लगवाने को बोल दिया एनिमी को। और यहाँ पे देखना मैंने आयरिस ऑन किया, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो 3 वॉल के आर पर आयरिस कैसे मारता है। सो देखो यहाँ पे गाइज उस पर साइन रहेगा, और आपको जैसे मोको का साइन होता है वैसे ही आपको यहाँ पे आयरिस का साइन मिलेगा, जिसका यूज़ करके आप इजीली एनिमी को ढूंढ भी सकते हो। और गाइज देखो ऐसा इमेजिन करो कि कोई बंदा छुपा हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप आयरिस ऑन करके वहाँ पे देखो वहाँ मोको जैसा साइन आ रहा है, उस पर गाइज आराम से एम करके आप मार सकते हो। और यहाँ पे देखो गाइज मैंने एम किया और भाई वॉल के आर पर सीधा खत्म भाई, मतलब कोई भी गन से, लिटरली कोई भी गन से आप लोग मार सकते हो वॉल के आर पर। देखो गाइज कभी कभी ऐसा होता है ना कि एनिमी को डैमेज पड़ने पे वो भाई नायरी कैरेक्टर्स यूज करते हैं बहुत बार बंदे और पैक कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पे आयरिस काम देगा आपको। आप आराम से आयरिस ऑन करो और ख़त्म कर दो। यहाँ पे गाइज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो सामने एक बंदा होता है जो कि भाई फाइट ले रहा होता है, और भाई वो नायरी का यूज़ करता है, बट गाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं आयरिस ऑन करता हूँ और आराम से देखो इधर से बैठ के मैं यहाँ पे देखो परफेक्ट आप मारोगे तो ग्लूकॉल के आर पार भी लगता है भाई आयरिस से। मतलब जहाँ पे उसका मुखो का साइन आ रहा है आपको उधर ही मारना है। कभी कभी होता है ऐसा है गाइज कि एनिमी पैक कर लेते हैं खुद को नायरी सोनिया और दिमित्री का यूज़ करके, तो यहाँ पे गाइज आपको आयरिस हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे मैंने आयरिस ऑन किया, उसके बाद देखना गाइज आयरिस का पावर, देखो वो मोको का साइन आ रहा है उधर ही आप मारो। उसके बाद गाइज ग्लू वॉल के आर पर आप कोई भी गन से मार सकते हो भाई, मतलब SMG हो या राइफल हो या कुछ भी हो। यहाँ पे देखो गाइज मैंने एनिमी को डैमेज दिया, वो भाई पैक कर लेता है। उसके बाद गाइज मैं और डैमेज देता हूँ ग्लू वॉल के आर पर मार के, और उसके बाद गाइज यहाँ पे वो डाउन हो जाता है, बट गाइज कोई फ़ायदा नहीं, मैं ग्लू वॉल के आर पर मार के उसे ख़त्म कर देता हूँ। तो गाइज आयरिस इतना पावरफुल कैरेक्टर है जिसका आप यूज़ करोगे ना, और जिसको सामने वाले को अगर नहीं पता है तो गाइज वो मान लेगा आपको हैकर। यहाँ पे देखो गाइज ग्लू वॉल के आर पर आयरिस का थोड़ा सा डैमेज कम हो जाता है, यानी कि गाइज देखो 37 का नॉर्मल डैमेज आ रहा था शुरू में, अभी गाइज 30 का डैमेज आएगा या फिर 32 का, ऐसे आसपास 30 का डैमेज आ रहा है। यहाँ पे गाइज हमें मारो कैरेक्टर हेल्प करने वाला है, जो कि गाइज डिस्टेंस से 25% डैमेज को इंक्रीज करता है। देखो ये है BR रैंक कॉम्बिनेशन, CS रैंक कॉम्बिनेशन आयरिस के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। मारो बिलाई चील की निगाह मेरी। अब देखो गाइज डिस्टेंस से डैमेज इंक्रीज करता है, SKS से गाइज 107 का डैमेज आ रहा है, AWM का 150 का डैमेज 173 का लग रहा है। तो गाइज इस तरीके से मारो हेल्प करेगा। अब देखो आप किसी एनिमी को डैमेज दिए, ठीक है, वो ग्लू वॉल डाल लिया और आप लॉन्ग रेंज पे हो, तो गाइज आप आयरिस ऑन करके मारो। देखो ग्रोजा का नॉर्मल डैमेज आ रहा था वॉल के आर पर 30 का, यहाँ पे गाइज मारो के हेल्प से 32 का आ रहा है। तो गाइज एक या दो डैमेज भी काफ़ी होता है एनिमी को मारने के लिए जब वो लो SP पे होता है। तो गाइज वॉल के आर पर आप इजीली दूर से मार सकते हो, मारो के हेल्प से आपका डैमेज भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर हम रखेंगे गाइज राफेल। इसका दो एबिलिटी है, ये साइलेंसर एड करता है स्नाइपर और मार्क्समैन राइफल में, और ये 85% एनिमी को ब्लीड करता है। मैं दिखाता हूँ गाइज, अगर आपके पास कोई ये मार्क्समैन राइफल है जैसे AC-AT हो गया या और कुछ, और आप उससे डैमेज दिए BR रैंक में, तो गाइज यहाँ पे देखो वो सर्कल कर लेगा वॉल। तो गाइज आप आयरिस का ऑन करके आराम से ग्लू वॉल के आर पर एकदम साइलेंसिंग इफेक्ट के साथ मार सकते हो, मतलब बिना किसी को बताया, आपका लोकेशन भी पता नहीं चलेगा राफेल के हेल्प से आप कहाँ से मार रहे हो, सो आपका मैप में लोकेशन भी नहीं दिखेगा। होता है कभी कभी ये गाइज कि बंदा छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पे आप इजीली आके चुपके से मार सकते हो, उसे पता भी नहीं चलेगा कि आदमी मार किधर से रहा है। अगर वो पैक कर लेता है गाइज तो आयरिस है अपने साथ। यहाँ पे गाइज ग्लू वॉल के आर पर मारने वाला एबिलिटी ऑन करो, उसके बाद एनिमी को फिनिश कर दो। और यहाँ पे गाइज हमारे साथ मारो भी है तो वो डिस्टेंस से डैमेज भी तो इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे अगर आप लोग तो स्नाइपर बहुत तगड़ा चलाते हो तो आयरिस आपके बहुत काम आएगा यार, और राफेल, क्योंकि भाई ये बहुत तेज मार सकते हो आप ग्लू वॉल के आर पर, एक एक गोली में ख़त्म कर सकते हो क्योंकि स्नाइपर का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। अब दूसरा एबिलिटी इसका ये है गाइज, अगर आप एनिमी को डाउन करते हो तो देखो मेरा कितना फास्ट ब्लीडिंग हो रहा है क्योंकि सामने राफेल ने मारा है मेरे को, मतलब मैं एनिमी का शो से दिखा रहा हूँ, मतलब मैं एनिमी बना हुआ हूँ अब फिलहाल। ये है गाइज राफेल, 2-3 सेकंड में मार दोगे आप बंदे को ऐसे ही। और गाइज बिना राफेल वाले बंदे को मारने में कितना टाइम लगता है आप देखो, अगर कोई राफेल यूज़ नहीं कर रहा है या फिर आप राफेल नहीं यूज़ कर रहे हो और किसी एनिमी को डाउन किए हो और वो कवर में है, तो गाइज उसके टीममेट रिवाइव कर देंगे, इतना टाइम होता है उसके पास।
बट गाइज आप राफेल यूज़ करके मारोगे तो देखा आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कि 2-3 सेकंड में मैं कैसे मर गया। और गाइज इसमें लगभग 30 से 40 सेकंड भी लगता है पूरा डाउन होने में। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं गाइज, वो है हमारा लियोन। ये 60 SP प्रोवाइड करता है आपको कभी भी किसी भी चीज़ से डैमेज पड़ेगा तो। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये गाइज आपको HP देने में काफ़ी हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे मुझे फ्लैश फ्री से डैमेज पड़ा, मेरा 119 HP था, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इसको चार्ज करना पड़ता है। तो गाइज यहाँ पे 119 से मेरा 179 SP हो जाता है। अगर गाइज आपको जोन से भी डैमेज पड़ता है तो यहाँ पे देखो गाइज मैंने कैसे 120 HP तुरंत रिकवर कर लिया बिना किसी मेडिकेट का, बस लियोन की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको लियोन हेल्प करेगा। अब एनिमी भी आयरिस यूज़ करेंगे तो उससे बचना तो पड़ेगा ना गाइज। तो देखो जोसेफ का यूज़ करोगे ना तो मोको आयरिस A124 जैसे मार्क आप पे नहीं आएंगे। और गाइज इसको चार्ज होने में 60 सेकंड का टाइम लगता है और ये 10% मूवमेंट स्पीड भी बढ़ाता है। ठीक है, और ये सब कुछ 5 सेकंड के लिए रहेगा। तो गाइज यहाँ देखो आयरिस का यूज़ करके एनिमी मेरे को मारा, मैं बच गया। बट गाइज जोसेफ खत्म होने के बाद वो अगर एम करेगा तो उसके बाद आप पे मार्क आएगा। बट गाइज अगर आपका जोसेफ चार्ज आएगा तो आपके ऊपर मार्क नहीं आएगा और आप बच जाओगे। इसका मैं गाइज खुद पे सीन दिखा रहा हूँ, अब गाइज मैं एनिमी पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखना, ठीक है। अब देखो सामने एनिमी है, मैं उसे देखना आयरिस ऑन करूँगा तो देखना गाइज उस पर मार्क नहीं आ रहा, ये भाई जोसेफ ने उसको आयरिस से बचा लिया, जिसकी वजह से गाइज आपको उसके बाद अगर मारोगे, जोसेफ 5 सेकंड तक रहता है बट गाइज आयरिस 15 सेकंड तक रहता है, तो आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो गाइज फिर भी जोसेफ थोड़ा देर के लिए आपको बचा सकते हैं आयरिस से, बाकी गाइज आयरिस से आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो आयरिस के साथ ये कॉम्बिनेशन यूज़ करो और जाके गेम में धूम मचाओ यार। सबको ग्लूवाल यूज़ करना बंद करवा दो बंदों को, क्योंकि भाई ग्लूवाल लगाने का फ़ायदा ही नहीं है, आयरिस है जिंदाबाद। और गाइज ग्लूवाल लगाने बंदे छोड़ देंगे यार आप अगर आयरिस ज़्यादा यूज़ करोगे तो। बाकी सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।